और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना से अब तक की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट, 9 मरीजों में पाया गया ये वेरिएंट। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से आए 4 यात्रियों और उनके संपर्क में आए अन्य 5 में ये वेरिएंट पाया गया है। तो जिसकी आहट कर्नाटक में हुई, जिसकी आहट मुंबई में हुई, गुजरात में हुई, जामनगर में भी वेरिएंट आया, और वहीं अब दिल्ली और गुजरात कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब ये लोग पहुंचे थे, पेरेंट हैं और 2 बच्चे हैं उनके, ये चारों जब यहां पहुंचे थे शादी विवाह में सम्मिलित होने के लिए, तब इस तरह के लक्षण पाए गए थे, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जीनोम सिक्वेंसिंग करवाई गई और अब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये पुष्टि हो गई है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। और सबसे खतरनाक बात ये कि जो इनके साथ में 5 रिश्तेदार थे, यानी कि 4 लोग जो दक्षिण अफ्रीका से आए वाया दुबई, और जो 5 लोग इनके रिश्तेदार हैं उनमें भी ये वेरिएंट पाया गया है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, क्योंकि 5 लोगों में अभी तक आया है, लेकिन जिस शादी विवाह में ये गए अब उनके लिए थोड़ा खतरनाक हो जाएगा। प्रशासन में हड़कंप मचा होगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि 9 लोगों का वेरिएंट मिलना, 9 लोगों का पॉजिटिव आना, राजस्थान में अभी तक ये माना जा रहा था कि ये लोग पॉजिटिव होंगे, ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है, और इसलिए जीनोम सिक्वेंसिंग करवाई गई थी। और अब जब जीनोम सिक्वेंसिंग कराई गई, 5 उनके रिश्तेदार और 4 जो दक्षिण अफ्रीका से आए, टोटल 9 लोगों की जब जीनोम सिक्वेंसिंग करवाई गई तो उसमें ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, जो राजस्थान के लिए थोड़ा खतरनाक स्थिति। अब प्रशासन जो है वो लगातार हड़कंप मचा हुआ है, हालांकि अब इनको रखा गया है ऑब्जर्वेशन में और जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन कोरोना को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है राजस्थान में। इससे पहले 4 और जगह, 4 और राज्य जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, तो भारत के लिए इस वक्त थोड़ी सी चिंताजनक बात है। 4 राज्य जो कर्नाटक, बैंगलोर जहां पर ये वेरिएंट मिला, दिल्ली में मिला, गुजरात के जामनगर में मिला, महाराष्ट्र मुंबई में मिला, और अब राजस्थान में भी 9 मरीज ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। अब इसके बाद क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से होंगी, क्योंकि आपको बता दें अभी हाल ही में डूंगरपुर में जब कुछ मरीज पाए गए थे, कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे, तो ऐसे में ही उनको भी वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि अभी तक उसमें ये पुष्टि नहीं है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, बस एक एहतियात के तौर पर उस जगह पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम की तकलीफ भी थी और ऐसे में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, उस एरिया में, उस मोहल्ले में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन अब ये बड़ी परेशानी इसलिए है क्योंकि ये लोग शादी में सम्मिलित होने के लिए आए थे, वहां पर लोगों से मिले भी होंगे, जिन लोगों से मिले होंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक वेरिएंट है, तेजी से फैलता है, 5 से 6 गुना तेजी से फैलता है। अब ऐसे में जिन लोगों से ये मिले होंगे उन तक पहुंचना, उनके बारे में जानना, क्योंकि जब ये मुंबई गए तो मुंबई में इनका जब टेस्ट किया गया था नेगेटिव आया था, जयपुर पहुंचे, जयपुर में टेस्ट किया गया पॉजिटिव आया, उसके बाद जीनोम सिक्वेंसिंग कराई गई। हालांकि जब इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी तभी इनको अलग कर लिया गया था, लेकिन तब तक क्योंकि शादी विवाह में सम्मिलित हो चुके थे, उन रिश्तेदारों से मिल चुके थे, तो वो रिश्तेदार जो हैं उनमें भी वो दिखाई देने थे, लक्षण दिखाई देने लगे थे। जीनोम सिक्वेंसिंग करवाई गई अब इनकी, और जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के बाद अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि उनके संपर्क में जो 5 उनके रिश्तेदार आए हैं उनमें तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। लेकिन जो लोग और यहाँ शादी में, विवाह में सम्मिलित होने आए होंगे, या जो लोगों के संपर्क में ये 4 लोग आए हैं, अब उनमें लक्षण कब दिखना शुरू होते हैं, कौन कौन से वो लोग हैं, उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, कैसे स्क्रीनिंग की जाएगी, कैसे पता चलेगा, बहुत सारी चीजें अब प्रशासन को अलर्ट होना की जरूरत हो जाएगी। प्रशासन जो है अभी तक ये RUHS में है और उसके बाद अब तैयारियां और फुल प्रूफ करनी होंगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राजस्थान में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से ये लोग आए थे, 25 नवंबर को ये लोग आए थे और उसके बाद शादी में सम्मिलित हुए और तभी इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। इनके साथ जो रिश्तेदार थे जिनके यहाँ ये रह रहे थे, उन रिश्तेदारों में भी इस तरह के लक्षण पाए गए थे।
जब उनकी स्क्रीनिंग की गई, उनके टेस्ट किए गए, वो भी पॉजिटिव आए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक ये इंतजार किया जा रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा हो कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ना हो, आशा सब यही कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से आए, मुंबई वाया दुबई, मुंबई पहुंचे, मुंबई से ये जयपुर पहुंचे और ऐसे में अब इनकी रिपोर्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, ये वेरिएंट पाया गया है। थोड़ी चिंताजनक बात राजस्थान के लिए भी, और वो इसलिए क्योंकि ये वो वेरिएंट है जिसे खतरनाक डेल्टा से भी ज्यादा माना जा रहा है। ये वो वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता है, 4 से 5 गुना तेजी से ये वेरिएंट फैलता है। इसके लक्षण क्या है, ये किस तरह से खतरनाक होगा, क्योंकि अभी डॉक्टर्स यहाँ तक कि WHO जो है वो इसके बारे में साफ साफ नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि थोड़ा खतरनाक है। अभी इसकी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है, बहुत सारे देशों में ये बहुत तेजी से फैला है, इसलिए जरूरी है कि हम एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि अब ये लोग जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे वो शादी में गए और वहाँ पर जितने लोगों से मिले होंगे, किनको ये खतरा है, किनको ये पॉजिटिव और लोग इसको लेकर हुए होंगे, तमाम चीज़ें अब इसको स्क्रीनिंग की जाएगी, लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा, उन लोगों को संपर्क किया जाएगा, जो तमाम चीज़ें होंगी वो प्रशासन करेगा। लेकिन कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई है, 9 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि ये पहले ही कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अब इनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई थी और उसके बाद इनमें पुष्टि कर दी गई है। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 9 मरीज जिनमें ये वेरिएंट पाया गया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर पूरे राजस्थान के लिए, जो डर था वो डर ही हुआ। आखिरकार जो 4 लोग अफ्रीका से आए हुए थे उनके अंदर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, उसके साथ ही 5 जो लोग उनके संपर्क में आए थे उन लोगों की भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। कुल 9 लोगों के राजस्थान में ओमिक्रॉन की पुष्टि, उसके बाद में पूरे चिकित्सा विभाग में अलर्ट जारी किया गया है। जैसे ही SMS मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट मिली है, उसके तत्काल बाद में खुद चिकित्सा मंत्री और चिकित्सा सचिव वैभव गले ने कमान संभाली, तमाम तरीके से लाइन लिस्ट है वो लाइन लिस्ट तैयार की गई। लाइन लिस्ट तैयार करने के साथ ही जो भी उनके संपर्क में आए हुए जो लोग हैं उन सभी को, उन सभी की जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी उनका भी एनालिसिस शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में जो कि राजा पार्क में 5 लोग जहां रहते थे उन पूरे इलाके की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। इसके साथ ही जो दादी का फाटक रहने वाला परिवार था अफ्रीका से आया हुआ उसकी भी स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही सबसे चिंता वाली बात यही है कि ये जो परिवार था ये 28 तारीख को शादी में गया था, सिटी पैलेस के अंदर शादी थी, उस शादी समारोह में जाके आया था और उस शादी समारोह में जितने भी लोग आए थे उन सभी लोगों की जो सूची है वो भी तैयार की जा रही है ताकि स्क्रीनिंग की जा सके पूरी ग्रास रूट पे, ताकि जो ये वायरस है जिसको लेकर के वेरियंट है जिसको लेकर के बहुत चिंता की बात थी पूरे राजस्थान के लिए, इतनी चिंता की बात थी कि पूरे देश भर के अंदर इस वक्त कर्नाटक के अंदर केस आया था उसके बाद में राजस्थान में चिंता बढ़ी थी। और जब हमने फर्स्ट बार जब अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए 4 लोगों के नए वेरियंट की पुष्टि और विकास हमारे साथ SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, चिंता की जरूरत है, चिंता की ये बात है, 9 लोग पॉजिटिव आए हैं। देखिए कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे यहाँ 4 वो हमारे आरियोचिस में एडमिटेड हैं और 4 रिकवर कर रहे हैं, कोइंसिडेंटली वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके 5 फैमिली कॉन्टेक्ट थे वो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको भी ऑलरेडी पहले से क्वारंटाइन हम कर चुके थे, अभी शायद उनको हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट डेफिनेटली 9 जने ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए थे। ये हमने जीन सीक्वेंसिंग जो कि हमारी मेडिकल कॉलेज में किया वहां पे हमने पाया और उसको बाद में NIV पुणे से कंफर्म करवाया। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने उनको डेडिकेटेडली एक ओमिक्रॉन फ्लोर बनाया है, उसमें रखा है और 4 पेशेंट जो कि है वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसे हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। बट डेफिनेटली हमको अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज इस वायरस की इन्फेक्टिविटी अधिक पाई गई है, तो चूंकि हमारे प्रदेश में ओमिक्रॉन पाया गया है तो उनको इफेक्टिवली हैंडल किया जा रहा है, 4 पेशेंट बिल्कुल रिकवरी मोड में है, वो बेटर है, बट अब हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा।
जी डॉक्टर साहब, क्या जो पांच रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, क्योंकि चार आपने कहा कि वो ठीक हैं अभी, क्या उनमें कोई गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं? उनका ऑलरेडी हम लोग क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट कर रहे थे और ये 9 पेशेंट सारे ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली माइल्ड डिजीज है, उनमें कोई मेजर लक्षण नहीं पाए गए। इफेक्टिवली जैसे ही उनका डायग्नोज हुआ हमने मैनेजमेंट शुरू कर दिया है, तो सारे 9 पेशेंट रिकवरी मोड में है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसमें कोई भी क्रिटिकल नहीं है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे प्रदेश आपसे ये जानना चाहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है ये 4 से 5 गुना जो है तेजी से फैलता है, गंभीर है, घातक है, तो क्या अभी प्रदेश में चिंताजनक कोई स्थिति? डेफिनेटली ओमिक्रॉन का इन्फेक्टिविटी और ट्रांसमिशन एबिलिटी पुराने वायरस से ज्यादा है, बट अभी आने वाले कुछ हफ्तों में पता लगेगा कि ये कितना क्रिटिकल है। जो साइंटिफिक लिटरेचर है, जो हमारे इंपॉर्टेंट जर्नल्स है, लैंसेट एटसेट्रा में, उसमें ओमिक्रॉन की जो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन गिविंग प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट डेल्टा के बराबर या ये इतना उसके बराबर ही पाया गया है। तो अभी तक ये कितना एग्रेसिव है इसका प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट ये पुराने जो वेरिएंट है उसके बराबर ही इसको पाया गया है। अतः डेफिनेटली ये इंफेक्टिव ज्यादा है, इजीली ट्रांसमिट हो सकता है, बट क्रिटिकल इलनेस लोगों में नहीं होना चाहिए ऐसा हम लोगों का मानना है, बिकॉज अधिकतर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और ये एक और रीजन है, मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग सेकेंड वैक्सीनेशन के लिए ड्यू है वो जल्दी से जल्दी अपना सेकेंड डोज भी ले लें, ताकि अगर हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जी सर, यानी ये माने कि अगर वैक्सीनेटेड हम हैं, दोनों डोज हमको लग गई है, तो हम फिर भी सुरक्षित हैं इससे? डेफिनेटली डबल वैक्सीनेटेड पेशेंट में इम्यून स्टेटस काफी अच्छा हो जाता है। ऑल्दो इस ओमिक्रॉन वायरस में जो स्पाइक्स हैं उसमें 30 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पाए गए हैं, बट फिर भी जो डबल वैक्सीनेटेड है उनमें कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो इम्यून सिस्टम होता है टी सेल का वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा फीलिंग है और साइंटिफिक लिटरेचर भी है कि इनमें क्रिटिकल और सीवियर डिजीज नहीं होगी, अगर इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड और मॉडरेट डिजीज होगी, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी। सर अभी तक देखिए, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं और जो अफ्रीका से ये फैमिली आई थी उसमें 2 बच्चे भी थे, क्या बच्चों के लिए ये घातक हो सकता है? जो बच्चे आए हैं वो भी रिकवर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो अभी इस ओमिक्रॉन की जो क्रिटिकलिटी है वो एस्टेब्लिश नहीं हुई है। अगले कुछ हफ्तों में इसकी क्रिटिकलिटी क्लियर हो जाएगी, बट अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए और टाइमली सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल जाए तो मैं सोचता हूँ हर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सर, क्योंकि ये किसी शादी समारोह में गए थे, वहां लोगों से भी मिले, अब क्योंकि जिन लोगों से ये मिले हैं और अभी तक जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, टेस्टिंग नहीं हुई है, वो लोग भी, उन्होंने भी अगर स्प्रेडर बने होंगे, तो ये क्या हमारे प्रदेश के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है? हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस हम हर पेशेंट का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई इनके एक्सीडेंटली कॉन्टेक्ट में भी आया होगा और किसी का अगर पॉजिटिव आया भी होगा, तो हमारे प्रदेश में हर पॉजिटिव केस का हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो हम जल्दी ही इसको पिकअप कर लेंगे अगर इनका किसी से एक्सपोजर हुआ होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे प्रदेश की, कि हर पॉजिटिव पेशेंट का हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई भी इस तरह का पेशेंट होगा तो हम जल्दी से पिकअप कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।